हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड बफ और मैं हूं आपके साथ शामली कात्यायन। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव आज अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में खूब मेहनत की है। उन्हें कई बार उनके रंग रूप को लेकर खूब ताने सुनने को मिलते थे। आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनके स्ट्रगल से रूबरू करवाएंगे। राजकुमार राव ने बड़ा बनने का सपना देखा और बड़े बने भी, लेकिन अभी उन्हें अपने अंदर की छुपी और प्रतिभाओं को भी बाहर निकालना है। वो कॉमेडी, हॉरर, एक्शन और गंभीर तरह के विषय पर बखूबी निभाते हैं। मुंबई आकर राजकुमार राव को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। सैकड़ों ऑडिशन दिए, लाइन में लगे, हाथ पैर मारे और फिर जाकर उनके हाथ लगी फिल्म लव, सेक्स और धोखा। साल 2010 में आई इस फिल्म का निर्देशन दिबाकर बैनर्जी ने किया था। इसके बाद राजकुमार राव कई सपोर्टिंग रोल में दिखे, जैसे रागिनी MMS 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर Part 2। हालांकि राजकुमार राव को असली पहचान मिली फिल्म कायपोचे से। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत भी उनके साथ थे। राजकुमार राव को सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, तब जेब में पैसे भी नहीं हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में राजकुमार राव ने कहा, मैं अपने हिस्से से 7,000 रुपये देता था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। हर महीने 15,000 से 20,000 रुपये की ज़रूरत होती थी। एक बार मेरे खाते में सिर्फ 18 रुपये और मेरे दोस्त के पास 23 रुपये थे। राजकुमार राव पूरे फिल्मी हैं और 90 के दशक के गानों के शौकीन हैं। सेट पर उनके साथ सभी मस्त हो जाया करते थे। बता दें, राजकुमार राव बरेली की बर्फी, न्यूटन, शादी में जरूर आना, स्त्री जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड बाफ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।